डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। इस पाठ में डॉक्टर राही मासूम रजा ने 1965 में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के चरित्र से हम सभी को परिचित कराया है, साथ ही स्वयं को उनकी मातृभूमि से जुड़ा होने पर गौरवान्वित महसूस किया है। वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है, इस पाठ के द्वारा ऐसी प्रेरणा दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ वीर अब्दुल हमीद। मेरे वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग कितने हैं ये मैं नहीं जानता हूं। मेरे देश में 1,20,00,000,000 के लगभग हिंदुस्तानी बसते हैं। आज मैं उन्हीं में से एक हिंदुस्तानी की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम अब्दुल हमीद था। वह एक मामूली हिंदुस्तानी किसान का बेटा था। मैं उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूं। वह पढ़ा लिखा नहीं था, मगर धान की नाचती हरियाली पर, गेहूं की सुनहरी बालियों पर, भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक पर, मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरी पर, बरसात के पहले छींटों और मिट्टी की सौंधी गंध पर गुनगुनाना जानता था। मैं भी गाजीपुर का हूं और ये कहना चाहता हूं कि गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती यह सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उनका बेटा रहा होता। मैं यह नहीं कहता कि वह मेरे गाजीपुर का था, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उसके गाजीपुर का हूं। मैंने गाजीपुर को क्या दिया? उसने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया। उसने अपने बेटी बेटों को कोई सौगात न भेजी, परंतु गाजीपुर को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। इस वक्त मेरी मेज से एक पोस्टकार्ड मेरी तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह एक पिक्चर पोस्टकार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश लिखा है, प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को यह लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा यह खून का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किसको अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमी पर यह कितना हसीन गुलाब खिला। किसे खत लिखता, उनके घर का पता ही नहीं मालूम। फिर याद आया, तुम तो घरेलू ही हो उनके। गाजीपुर के इस शहीद के लिए किसे बधाई दूं और किसे शोक प्रकट करूं। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूं कि आखिर इस नाम में कौन सा ऐसा जादू है कि हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह जुबान पर फिरा रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान ने यह साबित कर दिया है कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। कौम जमीन पर धूप की तरह उगती है और बरगद की तरह सरबुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का एक अंग है। उनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। पाकिस्तान की सेना भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदुओं और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया। 17 सितंबर सन 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए, अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उसके देश हिंदुस्तान की भूमि पर अपने पांव ना जमा सके, इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वह इस मिट्टी का सच्चा बेटा था और कोई बेटा अपने मां की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुश नसीब है वह मां बकरीदन जिसने इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया।
बकरीद बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी मां की इज्जत रख ली। अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व यह जिला गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब तो यह हमीद की शहीदी के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को धामपुर गांव के उस्मान खां दर्जी के घर हुआ था, लेकिन उसका असली जन्म तो 17 सितंबर सन 1965 को रणभूमि के खेमकरण क्षेत्र में हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली दो कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो और क्या है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है। हवलदार हमीद को मिलने वाला परमवीर चक्र भारतीय एकता का प्रतीक है। बचपन से ही हमीद की हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही बनने की इच्छा थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि वह फौज में भर्ती होगा। उसकी दादी मना करती और कहती कि बाप की तरह सिलाई मशीन चलाओ, तो वह कहता हम जाए फौज में, तुहार रोके ना रुकाए हम, समझ लू। दादी को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। हमीद खुश हो गया। इसी तरह हमीद को अपने पिता से भी फौज में जाने के लिए उलझना पड़ा। खेलकूद में वह बचपन से ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में गांव में उसका कोई सानी नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी देखकर फूला नहीं समाता। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की आवश्यकता होती है। पहलवानी उसे विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। वह तड़के ही अखाड़े में पहुंचकर अखाड़े की मिट्टी को बदन पर मलता और दांव लगाना सीखता। रात को नींद में जंग और फौज के सपने देखता। वह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में दुश्मनों को भून डालता और जब लामपर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशों के साथ स्वागत करने आता। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। पहली ही परेड में हवलदार ने सवाल किया, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, हमीद ने उत्तर दिया। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? हवलदार ने पूछा। हम लाठी सीखते हैं, हामिद ने उत्तर दिया। परेड करवाने वाला हवलदार इस बात को सुनकर पस्त हो गया। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। हमीद अपने साथियों को भी लाठी सिखाता। निशाना लगाने में तो उसे कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराता। उसके सभी साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे निशाने की तारीफ करते। हमीद अपनी दोस्ताना शख्सियत से अपने साथियों का मन मोह लेता। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का जल्द ही मौका मिल गया। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। सबको पता चला कि हमारे जवानों का एक जत्था चीनी घेरे में है। उसमें हमीद भी था। लोगों को उसकी शक्ति और अदम्य साहस का ज्ञान न था। यह उसकी पहली परीक्षा थी। वह मौत और शिकस्त से मुकाबला कर रहा था। साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे, पर मन में कोई कमजोरी नहीं थी। उसे परिवार की कोई चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि वह तो सिर्फ हिंदुस्तानी सैनिक था। वह बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उसकी मशीन गन आग उगल रही थी, उसके गोले खत्म हो रहे थे। ऐसे में उसने मैदान छोड़कर दूसरे मैदान से लड़ने का फैसला किया। उसने मशीन गन को तोड़ डाला और बर्फीली पहाड़ियों में एक साय की तरह गया। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता रहा।
तब उसे एक बस्ती दिखाई दी। वह कुछ देर के लिए सुकून में आया, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। यह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च सन 1962। इसके 2-3 वर्षों बाद नायक हमीद को हवलदारी और कंपनी की क्वार्टर मास्टरी हासिल हो गई। जब सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुला विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनका यह समझना कोरा भ्रम था। अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय मुसलमानों के लिए देश पहले है और धर्म बाद में। 17 सितंबर सन 1965 खेमकरण का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इन दैत्याकार फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सेना में घुसते आने का हौसला बुलंदी पर था, पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने परास्त होता गया। यहां एक मोर्चे पर हमीद ने अपने साथियों को ललकारा, आगे बढ़ो, और वह खुद आगे बढ़ा। उसने देखा दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उसकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना अचूक था। लोहे का एक दैत्य गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में ही 3 टैंक बर्बाद हो गए थे। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कौन सी शक्ति भर गई थी। वह अपने प्राण हथेली पर रखकर आगे बढ़ता जा रहा था। इसी समय कोई चीज उसके सीने से टकराई। उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसे यह जरूर लग रहा था कि चारों ओर अंधेरा बढ़ता चला आ रहा है। उसने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर उसे महसूस हुआ कि होठों से बोलने की ताकत छिनती जा रही है। इसलिए उसने ऐसा शब्द निकाला जिसमें होठों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह। यह शब्द गूंजा, इतना गूंजा कि रणभूमि की आवाजें दब गई। फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक अथाह सन्नाटा, एक अनंत सन्नाटा। बरसों से एक यही ख्वाब उसका पीछा कर रहा था, वतन के लिए मरना। यह कार्य उसके लिए हंसी खेल था। उसका यह ख्वाब पूरा हुआ। वह धर्म से मुसलमान था, पर वतन का रिश्ता खून और धर्म के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। धर्म हमें बांट नहीं सकता। सभी हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे किसी भी मजहब के क्यों ना हो। हमीद की कुर्बानी इसकी जीती जागती मिसाल है।